के 12 ही बज रहे। और ओ भाई, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया था कि हमारा नाम ब्लॉग में जरूर लेना, तो आज मैं वो सारी चीजें करने वाला हूँ। सामान आज ज्यादा कुछ है नहीं, एक बॉटल पानी है। आसानी से पेड़ में चढ़ के मैं हैमॉक में चढ़ सकता हूँ। तो कुछ लाइट ही बनाने मुझे खाने के लिए, तो जल्दी से पहले आप कैंप फायर करता हूँ। मोहब्बत कर 26 मिनट हो गया। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा आज के एक और सोलो सर्वाइविंग वीडियो में। तो गाइस ये मेरा तीसरा वाला सर्वाइविंग वीडियो होने वाला है। तो आज टेंट वगैरह कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो आज फिर से मैं हैमॉक में पूरी नाइट सर्वाइव करने वाला हूँ। तो अभी के लिए मुझे दो ऐसे पेड़ सर्च करना होंगे जहाँ पर कि हैमॉक अच्छे से सेट हो जाए और मैं पूरी नाइट सर्वाइव कर लूँ। तो सामान आज ज़्यादा कुछ है नहीं, एक बॉटल पानी है और दो पैकेट मैगी है, तो इसमें मुझे पूरी नाइट सर्वाइव करना है। तो पिछली बार तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो पानी पी के मैंने पूरी नाइट सर्वाइव करा। तो अभी के लिए मैं जल्दी से पहले दो ऐसे पेड़ सर्च करता हूँ जहाँ पर कि मैं पूरी नाइट अच्छे से सर्वाइव कर पाऊँ और पेड़ों की हाइट भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अभी के लिए ऐसा कि टाइम को वेस्ट नहीं करता हूँ, जल्दी से पहले दो पेड़ों को सर्च करता हूँ जहाँ पर कि मैं थोड़ा सा सेफ भी रह पाऊँ और थोड़ी सी हाइट पर मैं हैमॉक को सेट कर लूँ। तो जल्दी जल्दी से निकलता हूँ आगे और फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइज पेड़ तो मुझे मिल गया यहाँ पे, तो वैसे मुझे तीन पेड़ मिले हैं कि जहाँ पे कि मैं अच्छे से हैमॉक को सेट कर सकता हूँ। बाकी ये और ये पेड़ भी काफ़ी सही है हैमॉक को सेट करने के लिए, लेकिन इनके बीच ना डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया और ये थोड़ा सा पास में है, तो मुझे लग रहा है मैं इसी पेड़ पर हैमॉक सेट करूँगा तो तब जाके मेरे लिए थोड़ा सा सही रहेगा और यहाँ पर मैं हाइट में भी हैमॉक को सेट कर सकता हूँ और आसानी से पेड़ में भी चढ़ लूँगा। तो आसानी से पेड़ में चढ़ के मैं हैमॉक में चढ़ सकता हूँ, दोनों पेड़ों में हैमॉक को लगा के। बाकी आज थोड़ा सा अलग सीन करने वाला हूँ, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया था कि हमारा नाम ब्लॉग में ज़रूर लेना, तो आज मैं वो सारी चीज़ें करने वाला हूँ। मैंने कुछ कुछ कमेंट्स सेलेक्ट करा है और नोट करा है कि कौन कौन से नाम मुझे इस ब्लॉग में लेना है। बाकी जिनका नाम छूटेगा तो नेक्स्ट वाले ब्लॉग में उनका नाम भी लूँगा, तो धीरे धीरे करके ये चीज़ें चलती रहेगी। तो आज मैंने कुछ नाम सेलेक्ट करा है, तो उनका नाम मैं इस ब्लॉग में लेने वाला हूँ। तो अभी के लिए मैं टाइम को वेस्ट नहीं करता हूँ और जल्दी से पहले हैमॉक को सेट करता हूँ और लोगों की डिमांड थी भाई हमारा नाम ब्लॉग में लेना, तो आज फाइनली वो चीज़ भी करने वाला हूँ मैं। तो जल्दी से हैमॉक सेट कर लेता हूँ। तो गाइज ये हैमॉक, जिसको पता नहीं है तो जिसने पहले वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो वो हैमॉक सर्वाइविंग ब्लॉग देख लेना। तो ये रहा हैमॉक, इसको मैं जल्दी से पेड़ पे सेट करने वाला हूँ, तो इसी में पूरी नाइट मुझे सर्वाइव करना है आज। तो ये कुछ इस तरह का होता है झूला जैसा,
तो गाइस फाइनली हैमॉक मैंने सेट कर दिया अच्छे से पेड़ पे। तो यार अब मुझे करना है यहाँ पे लकड़ियों का जुगाड़, क्योंकि पूरी नाइट यहाँ पे कैंप फायर करना पड़ेगा, तब जाके मैं थोड़ा सा सेफ फील करूँगा। बाकी पेड़ पे हैमॉक बढ़िया से सेट हो गया, अब चलते हैं लकड़ियों के लिए। तो रात भर यहाँ पे कैंप फायर करना है। गाइस अंधेरा पूरा हो गया, तो यार जैसे तैसे करके लकड़ियाँ भी ज़्यादा मिली नहीं आज, तो कुछ लाइट ही बनाना है मुझे खाने के लिए। तो जल्दी से पहले आप कैंप फायर करता हूँ, और कैंप फायर करके ये हो जाएगा कि मैं थोड़ा सा सेफ रहूँगा। बाकी यार लकड़ियाँ ज़्यादा मिली नहीं, तो रात को ख़तरा भी ज़्यादा हो सकता है। तो अभी के लिए जल्दी से पहले कैंप फायर कर लेता हूँ। तो गाइस ऐसे करता हूँ, कैंप फायर करता हूँ यहाँ पे बढ़िया सा, और ऐसे कि अब डर भी लगी रही है, लकड़ियाँ भी ज़्यादा नहीं मिली और थोड़ी सी लकड़ियाँ मैंने आगे पे इकट्ठी कर रखी, तो ज़रूरत पड़ेगी तो उनको लेने भी जाना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि एक बारी में मैं इतना ही लेकर आ पाया। तो गाइस ये सूखे पत्ते, तो इन पे है कि आग जल्दी से जल जाएगी। तो गाइस ऐसा है कि अपना बढ़िया सा कैंप फायर भी हो गया है, तो अब थोड़ा सा सुकून जैसा मिल रहा है। तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 9:26 हो गया। तो यार लकड़ियाँ ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो डर भी लग रही है अब। और अब थोड़ा सा कैंप फायर हो गया, तो थोड़ा सा सुकून भी मिल रहा है। सबसे पहले पीने के लिए कुछ बनाता हूँ, और खाना तो आज लाई थी अपने पास, और चूल्हा थोड़ा सा छोटा हो गया। तो अब ऐसा करता हूँ, पानी गर्म करता हूँ सबसे पहले। आग देखिए प्यारी सी आग जल गई है, और ये पेड़ है जिसमें मैंने हैमॉक सेट कर रखा, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ना कुछ ज़्यादा ही कम हो गया था, तो फिर मैंने एक लपेटा मार के यहाँ से यहाँ बांध दिया इस पर। और ये होता है भाई हथियार, जो सेफ्टी में काम आता है, हर जगह पे काम आता है, तो इसको साथ में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अंदर नहीं डूब रही, तो पानी एकदम से काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है, तो आग में यही सीन होता है, पानी एकदम से गर्म हो जाता है। और ऐसा सर्वाइवल लाइफ भी जीनी चाहिए कभी कभी, बहुत कुछ पता चलता है और बहुत मज़ा भी आता है। और ऐसा कि गले में भी दर्द हो रहा था,
तो गले का दर्द भी सही हो जाएगा गर्म पानी से। तो गाइस ऐसा करता हूँ अब जल्दी जल्दी से, तो पहले खाने पीने की तैयारी भी कर लेता हूँ। खाना वैसे ज़्यादा नहीं है अपने पास, बस एक पैकेट मैगी है, तो उसी में मुझे पूरी नाइट यहाँ पे सरवाइव करना है। तो हैमॉक के पास मैंने आग इसलिए जला रखी, थोड़ा यहाँ पे सेफ भी रहूँगा, और बाकी हैमॉक की हाइट भी ज़्यादा नहीं रखी है मैंने, नॉर्मली रखी है, और पानी भी बढ़िया सा उबल गया है। आग में यही फायदा होता है। तो गाइस अब ऐसा है कि मैगी बना ही लेता हूँ, पानी क्योंकि अच्छे से उबल गया, तो ऐसे में यह है कि मैगी जल्दी से रेडी भी हो जाएगी। पानी अच्छे से उबल गया है क्योंकि, तो गाइस ये चेक करो, जैसे मैंने इसमें मसाला डाला पानी में तो ये एकदम तगड़े से उबल गया। तो अब मैगी डाल देता हूँ इसमें, और चूल्हा थोड़ा सा सही नहीं बना है, अगर ये गलती से थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हो गया तो फिर भूखे ही सरवाइव करना पड़ेगा पूरी नाइट यहाँ पे। तो गाइस ये हो गया मस्सी मैगी रेडी, और इधर पीछे से कहीं से ना आवाज़ भी आ रही है, पता नहीं किस चीज़ की है। तो पक्षी की आवाज़ है शायद। तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोला था, आज मैं सारे मतलब जो जो कमेंट्स मैंने सेलेक्ट करे हैं वो सारे पढ़ने वाला हूँ। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फ़ोन में मात्र 2% बैटरी बची है, तो जिस जिसका भी नाम बोल पाऊँगा तो आप सुन लेना। तो गाइस सबसे पहले नाम है पूजा, अमेजिंग भाई, तो थैंक यू। उसके बाद है बबीता, मैं रात के 2:50 पर आपका व्लॉग देख रही थी और आवाज़ सुन के मैं मम्मी के साथ सोने चले गए। और इसके बाद है केवी व्लॉग्स, नाइस कैंपिंग व्लॉग भाई। और उसके बाद पहाड़ी ज्योतिष, तो ये जय श्री राम, जय श्री राम भाई, और इमोजी इमोजी इमोजी। उसके बाद है पहाड़ी UK05 व्लॉग्स, नाइस कैंपिंग वीडियो भाई एंड बैकग्राउंड म्यूजिक नाइस। तो इसके बाद है सुंदर नेगी, नाइस कैंपिंग। तो जो सुंदर नेगी है ये मेरे हर व्लॉग पे कमेंट्स करते हैं और हर व्लॉग में सपोर्ट दिखाते हैं। और इसके बाद है तपेंद्र खड़का, ये नेपाल से है, तो हेलो भाई मैं नेपाल से हूँ। तो इसके बाद है रिया, तो आपका व्लॉग अच्छा लगता है फ्रॉम नेपाल। तो नेपाल से बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, बाकी अपनी मैगी भी ठंडी हो ही रही है। तो अगला कमेंट है कुसुम, नाइस वीडियो भाई, गॉड ब्लेस यू फ्रॉम USA। तो USA में भी अपना हम व्लॉग जा रहा भाई। और इसके बाद है अभिषेक, तो वेरी नाइस टेंट, एंड अगेन रंजीत, योगी सर नाइस कैंपिंग, एंड अगेन अगेन कृतिका, आज मैं फर्स्ट टाइम आपका व्लॉग देखा, और आप कहाँ से हो? तो मैं उत्तराखंड चमोली से हूँ। उसके बाद कमेंट्स है कपिल वर्मा करके, तो नाइस कैंपिंग व्लॉग भाई, तो थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। तो जिस जिसने भी ब्लॉग पे इतना ज़्यादा प्यार दिखाया। तो इसके बाद एक लास्ट नाम है, और इसके बाद जिसका भी नाम छूट गया तो नेक्स्ट वाले व्लॉग में मैंने सेलेक्ट करके रखा है, तो अगले वाला व्लॉग में बोलूँगा। भाई जो लास्ट कमेंट्स है जिसको मैं अभी पढ़ने वाला हूँ, तो वो है रंजू रावत, नाइस भाई, आई एम सो हैप्पी आपका वीडियो आ गया, तो सेव भाई, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। तो थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे ब्लॉग का वेट भी कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नाम मैंने लिया नहीं, तो नेक्स्ट वाले व्लॉग में उनका नाम पक्का लूँगा। बाकी यार आप लोग इतना प्यार सपोर्ट दिखा रहे हो तो थैंक यू सो मच। तो अब ऐसा करते हैं कि डिनर भी कर लेते हैं, डिनर ज़्यादा सही तो नहीं लग रहा है लेकिन सर्वाइव करने लायक सही है।
बिल्कुल बढ़िया हो रहा भाई। और बाहर से कुछ यूज़ भी नहीं करा है मैंने इसमें, जो मैगी में आया था वही मसाला यूज़ करा है, तो फिर भी काफ़ी सही हो रहा है। तो गाइस फाइनली डिनर भी अपना हो गया। तो यार इधर आवाज़ तो आ रही थी, पता नहीं किस चीज़ की थी, लेकिन दिखा कुछ भी नहीं, तो इतनी दूर से तो क्या ही दिखेगा। आवाज़ मुझे इधर झाड़ियाँ ने पीछे उधर की साइड से लग रही थी, तो दिख तो कुछ नहीं रहा है। तो ऐसा करता हूँ अब सोने के लिए चले जाता हूँ, और बर्तन वगैरह सब कुछ यहीं पर छोड़ दूँगा आग के पास, क्योंकि आग के पास कुछ भी जानवर वगैरह आएगा नहीं रात को। यार मुझे साथ में ही रखना होगा, तो इसलिए किसी पेड़ से मैं इसको सेट कर देता हूँ। और यह टॉर्च रखने के लिए बढ़िया सा ये सेट करूँगा, जिससे क्या होगा जंगली जानवर वगैरह अपने ज़्यादा पास नहीं आएगा। और अब इसमें चढ़ना सबसे बड़ा टास्क है, बाकी आदमी ने जला रखी है। गाइस हेमोक की हाइट आज ज़्यादा नहीं है, तो नॉर्मली हाइट है, तो बैग मैंने ऊपर ही ले लिया है। तो बैग में जो सामान है ना गाइस, तो सामानों पे लोमड़ी वगैरह आ गई रात को, तो बैग वो फाड़ सकती है। तो यार बाकी हेमोक भी अपना बढ़िया सा सेट हो गया। तो गाइस जो बड़ा कैमरा है उसकी हो गई है बैटरी डेड, बाकी एक टॉर्च मैंने यहाँ पे सेट कर रखा, तो ये सिग्नल है भाई कोई भी जानवर आसपास नहीं आएगा। और यहीं पे मैंने नाइफ भी सेट कर रखा, रात को अगर ऐसी कुछ भी एक्टिविटी होती है तो नाइफ से अपनी सेफ्टी हो जाएगी। गाइस अब ऐसा है कि सोने की तैयारी है, तो देखते हैं भाई नींद आती है नहीं आती है यहाँ पे। तो वैसे तो मस्त मज़ा आ रहा है इसमें झूलने में। तो गाइस ये चेक करो, यहाँ पर अपनी बढ़िया सी आग जल रखी है अभी, और काफ़ी तगड़ी आग जल गई है, क्योंकि लकड़ियाँ जो है ना धीरे 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 आग पकड़ लिया, तो मस्त सी आग भी जल रखी है। और यहाँ पर अपना मस्त है मॉग भी सेट का। तो अब सोने की कोशिश करता हूँ, आई होप कि नींद आ जाए। तो इसके बाद सीधे मिलते हैं मॉर्निंग में और एक और प्यारे से व्यू के साथ। तो गाइस तब तक के लिए गुड नाइट गाइस। रात के 12 ही बज रहे और अचानक से कुछ आवाज आई और कुछ परछाई जैसे दिखी मुझे, लेकिन यार कैमरे में कुछ कैप्चर ही नहीं हो पाया। अब ऐसा कि नींद तो आएगी नहीं गाइस, रात भर मन में डर सा लगा रहेगा। ऐसी में पूरी नाइट यहाँ पे सरवाइव करना है, ऊपर से जो कुछ गिर रहा है ना पेड़ पे, कुछ भी हो गए जो बाहर से खाल वगैरह है ना पेड़ की, वो गिर रही है ना, तो उससे भी अब डर लग रहा है। ओ भाई चेक करो भाई, कुछ तो गिर रहा है लेकिन तो डर बहुत ज़्यादा लग रही है। तो यार सोने की कोशिश करता हूँ, होप करता हूँ कि नींद आ जाए, और मिलता हूँ सीधे मॉर्निंग में। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय एंड भाई ये क्या हो रहा भाई हाँ? ऐसा क्या हो रहा है? क्या मस्त नींद आ गई थी, नींद पूरी खराब हो गई है। ऐसे कैंपिंग में ना हैमॉक वाले में सेफ तो नहीं है,
क्योंकि जानवरों का खतरा अलग होता है और चीज़ों का खतरा अलग होता है। तो अब ऐसा करता हूँ, सो जाता हूँ और मॉर्निंग में मिलता हूँ आपसे। तो बाय बाय।